नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज बात किया जाएगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो लेखपाल की भर्ती होने वाली है उसी के बारे में बात किया जाएगा। बहुत से चैनल द्वारा बहुत से दावे किए जा रहे हैं कुछ विस्तार क्षेत्र को लेकर आपका जो सिलेबस उसके बारे में सिलेबस आदि को लेकर काफ़ी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कुछ वैकेंसियों के बढ़ने का दावे किए जा रहे हैं कि वैकेंसी आपकी 8500 से ज़्यादा होने वाली है। सिलेबस के बारे में बात किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात जो आप जानते हैं कि जो संशोधन होने वाला था आपका कैटेगरी वाइज और पीएचओ अन्य कैटेगरी को बेनिफिट दिया जाना था मंडलवार, उसके बारे में बात किया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए यूपी ट्रिपल एससी का जानकारी चाहते हैं ऑफिशियल छोटी या बड़ी जानकारी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब बिना चैनल सब्सक्राइब किए आपको जानकारी सही और सटीक नहीं मिल पाएगी। दावे बहुत किए जाते हैं, सच्चाई कुछ और रहती है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको सिलेबस के बारे में कुछ इंडिकेट कर दूँ। सिलेबस के बारे में बहुत दावे किए जा रहे हैं कि इंग्लिश या अन्य किसी चीज़ को ऐड नहीं किया जाएगा, ट्रिपल सी को नहीं लिया जाएगा। ये दावे बेकार हैं, व्यर्थ हैं, बिना मतलब के बेतुके बयान दिए जा रहे हैं और चैनल द्वारा प्रमोट किया जा रहा है इस चीज़ को। आप जानते हैं इंग्लिश के बारे में अधीनस्थ सेवा चयन के चेयरमैन ने साफ साफ बोला है कि भैया कंप्यूटर ज्ञान व इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाएगा, इंटरव्यू में बोला है उन्होंने। तो जब चेयरमैन बोला है तो हवा में नहीं बोला होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको ऐड करेगा, चाहे वो हिंदी चाहे वो अन्य जीकेजीएस वाले सेक्शन में 5 नंबर डाल दे, चाहे कहीं ऐड कर दे, लेकिन 100% आपको 5 नंबर का ऐड करेगा। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, वो जो भी ऐड होगा वो हम लगता है मैक्सिमम चांस है आपको पैसे टाइप ही ऐड होगा, जो आप आसानी से कर सकते हो, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात की जाएगा वैकेंसी को, वैकेंसी के बारे में देखिए 8500 प्लस की दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है, ना ही किसी प्रकार के सोशल मीडिया पे आया है, ना ही किसी प्रकार कोई नोटिस वायरल हुई है, ना ही किसी प्रकार के चेयरमैन या अधीनस्थ सेवा चयन के सचिव या मुख्यमंत्री द्वारा या अन्य किसी भी सरकारी दफ्तर द्वारा ये बयान जारी किया गया है कि हम 8500 पदों पर भर्ती करेंगे। सीटों का बंटवारा के बारे में जो जरूर है 100, 200, 500 सीट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया है। तो बेतुके बयान से दूरी बनाए रखें, ऐसा कोई वैकेंसी अभी अपडेट नहीं हुई कि 8500 प्लस पदों पर भर्ती करने की तैयारी है। अभी जो अध्याचन भर्ती बोर्ड के पास 7882 पदों का ये है, जैसे मंडलवार जो सूची भेजी गई यदि उसमें किसी प्रकार का कैटेगरी वाइज या किसी अन्य पद के लिए संशोधन होता है तो आपको तुरंत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वेबसाइट पर डाल देगा या आपके किसी अन्य माध्यम से डाल देगा। ठीक है, आप जानते हैं भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्पष्ट बोला है कि हम कैलेंडर जारी करने वाले हैं। देखिए कैलेंडर में तैयारी चलिए, कैलेंडर एक दिन में तैयार नहीं। दोस्तों अन अकेडमी ने आपका लेखपाल का बैच स्टार्ट कर दिया है। आप जानते हैं अन अकेडमी पे इंडिया वो यूपी के टॉप एडुकेटर जो हैं आपके लेखपाल की तैयारी करा रहे हैं, टोटल मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, जो भी मटेरियल लगेगा आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके लिए आपको ₹1 चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। तो बहुत ही शानदार मौका है सभी बेस्ट टीचरों के साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के अलग अलग टीचर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही टीचर सभी टॉपिक को पढ़ाए कवर करे, तो ऐसा नहीं। जो भी टीचर रहेंगे आपको लोक सेवा आयोग हो गया, चाहे आपके किसी बड़े भर्ती हो गया PIAS हो गया, चाहे अन्य किसी भी स्टेट के जो आप लोक सेवा आयोग की भर्तियों में टॉप किए हुए हैं और कहीं ना कहीं पास हैं बंदे, सिलेक्टेड बंदे हैं, तो वही आपको टीचर में गाइडलाइन के साथ पढ़ाएंगे। तो बहुत ही शानदार मौका है अच्छे टीचरों के साथ अच्छे गाइड के साथ पढ़ने के लिए। इसमें आपको PDF नोट्स सारे चीज़ मटेरियल आपको मुफ्त में प्रोवाइड कराएंगे, आपके डाउट्स क्लास हो गए सारा चीज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों ये आपको सब्सक्रिप्शन मात्र ₹700 प्रति महीने मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको जितने भी कोर्स रहेंगे संपूर्ण आपकी तैयारी कराई जाएगी, आपको मॉक टेस्ट का मौका मिलेगा, इसमें टॉप एडुकेटर मिलेंगे, आपको हिंदी भाषा में रिवीजन नोट्स मिलेंगे, साप्ताहिक में मेगा क्विज भी कराया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है यह क्या है, जब भी आप इसके नीचे मैं एक लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जब जाइएगा तो गवर्नमेंट GOVT JOB 10 कोड डालना ना भूलिएगा, जिसमें आपको 10 से लेकर 20% का इस पर भी डिस्काउंट मिल सकता है। GOVT JOB 10 नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। में तैयार नहीं होता है क्योंकि कैलेंडर पे जारी करना और उस पर वर्क करना बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए 2-4 दिन 5 दिन मीटिंग होता है, लगातार मीटिंग के बाद जो डिसीजन होता है उसके बाद इसको एडिट करके डाला जाता है। तो कैलेंडर में हो सकता है वैकेंसी बढ़नी होगी या घटनी होगी, तो आपको 100% 7800 प्लस वैकेंसी के बारे में या उससे 8500 वैकेंसी के बारे में जरूर आपको अपडेट कर देगा अधीनस्थ सेवा चयन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। वैसे दिसंबर के अंतिम दिनों में आपके लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कराई जाएगी, तो इसके लिए आप तैयारी करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप परसेंटाइल के चक्कर में फंसे रहें, आप तैयारी नहीं करें, जब रिजल्ट आएगा तो हम तैयारी करेंगे, मैं कट ऑफ आएगा तैयारी करेंगे, उस टाइम आप वैकेंसी के लिए अपडेट रहेंगे या न रहेंगे, आपसे 100% एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। जो बच्चे हैं अच्छे नंबर पाए हैं अच्छा स्कोर किए हैं वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, आप भी तैयारी में लगे रहिए। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, आपको आगामी वीडियो में जरूर बता दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।